सिंगरौली में नवनियुक्त भाजपा जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी को बताया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य किया जाए। भाजपा जिला कार्यालय ढूंठी में भाजपा जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को उनके कार्य के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि भाजपा कार्यकर्ता कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते रहे, पर अब जिम्मेदारियां पहले से कई गुना बढ़ गई हैं। संगठन को और मजबूत करने के लिए लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी ने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देती है पार्टी का वही प्रत्याशी है, उसके साथ मिलकर परिश्रम करते हुए पार्टी को विजय दिलानी चाहिए। जो विषम परिस्थितियों में पार्टी का साथ देता है उसी के कार्यों का मूल्यांकन होता है। चूंकि पार्टी में पद की संख्या सीमित है इसीलिए सबको एक साथ पद नहीं मिल सकता। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को और मजबूत करने की बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिंगरौली में नवनियुक्त पदाधिकारियों का और जिला कार्य समिति सदस्यों का स्वागत एवं शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। क्या मेरे मन में एक बात आई कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के बाद जिस उत्साह के साथ में हमारा कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया था, तो निश्चित ही ऐसे ही कार्यक्रम हमारे पदाधिकारियों के भी होने चाहिए। हमारे मंडल अध्यक्षों के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करके अपने एक इस जिले में एक नई रीति का शुभारंभ किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।